चलिए आइए हम देखते हैं कि सर्कल की छायाग्राफी कैसे बनती है एसपी और वीपी में। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, हमने इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर इसको हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसकी नेमिंग कर लें ई बी सी डी। अच्छा, इसका जो सेंटर है, माना कि ये डी और बी, ठीक है, ये जो है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। यहाँ एक्स डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन बनाएंगे। तो प्रोजेक्शंस लेके सर्कल को जब टॉप से देखेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। नेमिंग अगर कर देंगे तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पर ई ब्रैकेट में सी आएगा और यहाँ पर बी आएगा। मान लीजिए सेंटर आपका ओ है तो यहाँ कहीं पे आपका ओ दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल कैसे बनता है, सेंटर से बन जाता है आराम से रेडियस लेके। हम क्या करेंगे, सेंटर की ही छायाग्राफी एक्स वाई लाइन पर लेंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री पर लाइन जाएगी ऐसे, और यहाँ से 45 डिग्री पर लाइन जाएगी ऐसे, अभी मिल गया पॉइंट ओ डबल डैश। यहाँ से क्या करेंगे, इतने पोर्शन की शेडो हूबहू यहाँ पे ऐसे ही बनेंगी। तो ये रेडियस लेंगे और यहाँ से रेडियस लेके इतना बड़ा सर्कल यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाफ सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, ये हाफ सर्कल बना। अच्छा, फिर नेमिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डी हो जाएगा, डी डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ई डबल डैश हो जाएगा। अब हमें सी पॉइंट लेना है, तो सी पॉइंट कैसे लिया जाएगा, देखिए सी से लाइन जाएगी ऐसे, यहाँ से सी से 45 डिग्री पर लाइन जाएगी ऐसे और टर्न होकर यहाँ पर आएगी ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका सी डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर्व में मिला लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हाफ पोर्शन की सेवाग्राफी ऐसे बनेंगी और हाफ की एक्चुअल हाफ सर्कल जैसी बनेंगे। हम इसको अब क्या करते हैं, हैच कर देते हैं, उसकी हैचिंग ऐसे होगी और इस वाले की हैचिंग ऐसे होगी। चलो ठीक, थैंक यू।